चार घंटे के बाद नैना आ चुकी है, ये रही नैना। मैं तो चार घंटे क्या कर रही थी, मेकअप कर रही थी, फिर भी लग रही है खराब। Hey guys, welcome to D-Vlogs, और आज मैं जा रहा हूँ एक पार्टी में जो कि बहुत ही एक्साइटिंग पार्टी होने वाली है एंड आपको काफी मजा आएगा क्योंकि वो है नैना की बैचलर पार्टी और हम लोग काफी मजे करने वाले हैं। वैसे तो मैं अभी सो के उठाऊ, मैं सुबह उठ गया था, फिर मैं सो गया, फिर मैंने एडिट किया, फिर मैंने खाया और फिर मैं सो गया और मैं अब फिर से उठाऊ। एंड अब पार्टी में जाना है तो थोड़ा अच्छा लगना जरूरी है क्योंकि मेरे ना ब्लैक स्पॉट्स बहुत हो रहे हैं। तो देखो जी, अब हम इतना तो पैसा इन्वेस्ट करते नहीं फेशियल फूशल में या फिर मेकअप मुकअप में, तो हमारे पास दो बेस्ट चीज है जिसके लिए आजकल मैं बहुत पागल हो रखा हूँ एंड आई यूज इट फ्रीक्वेंटली। सो nowadays आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ चारकोल प्रोडक्ट्स क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी इफेक्टिव होता है और मेरी स्किन पे वो काफी अच्छा वर्क करता है। तो टुडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू यूज वन मोर प्रोडक्ट जो कि है फेस मास्क, और उस फेस मास्क को यूज करके मैं अपने सारे ये जो ब्लैक स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं ये मैं हटाने वाला हूँ अभी के अभी। तो आपको दिखाता हूँ मैं कैसे अप्लाई करता हूँ क्योंकि मेरे को पार्टी के लिए तैयार होना है और अभी है मेरे पास टाइम, हमेशा होता है मेरे पास, मैं फिर भी लेट हो जाता हूँ, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू लुक लाइक सो सेक्सी। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ, कंप्लीट प्रोसेस। ओके, तो पार्टी में रेडी होने के लिए सबसे इनिशियल स्टेप, मतलब ये लड़कों को बहुत काम आने वाला है क्योंकि आपको भी अगर ऐसे सुंदर दिखना है तो आपको करना पड़ेगा। अब क्या देखो, हम लड़के इतना कुछ तो करते नहीं अपने फेस पे या फिर अपनी बॉडी पे, बस हम जिम जरूर जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, वो मैं नहीं जाता बट जाना जरूर स्टार्ट करूंगा, आपकी एडवाइस जरूर मानूंगा। हाँ, तो हमें फेस के लिए क्या करना चाहिए, तो अभी तो मेरे पास बेस्ट सोल्यूशन है विच इज अ चारकोल फेस मास्क एंड दिस फेस मास्क इज फ्रॉम गुड वाइब्स, गुड वाइब्स एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लींजिंग मास्क। तो मैं ये अप्लाई करूंगा यहाँ 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 एंड उसके बाद इसको मैं हटाऊंगा क्योंकि जो ब्लैक हेड्स होते हैं इससे हट जाते हैं। मैंने पहले भी यूज किया है बट वो डिफरेंट ब्रांड था, लेकिन आजकल मैं ये वाला ब्रांड यूज कर रहा हूँ बिकॉज इट इज वेरी इफेक्टिव एंड वेरी गुड। जब आप इसको रिमूव भी करते हो ना तो वो हार्श नहीं है, नहीं तो इतना आपको स्ट्रेच करना पड़ता है, वो स्किन ऐसी होती है ना, तो ये वैसा नहीं है, ये बड़ा ही मस्त है। आई विल अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है इसमें। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फेस मुझे गीला करना पड़ेगा ताकि जितने भी इम्प्योरिटी है जितना भी डर्ट है वो हट जाए। मैं आया एक मिनट में और उसके बाद मैं लगाना स्टार्ट करूं। All right, तो मैं थोड़ा चेहरा गीला कर लिया है एंड नाउ आई हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग इट। वैसे आप लोग सोच रहे हो कि भाई तू इतना मतलब ब्यूटी में कब से इतना इंटरेस्टेड हो गया या फिर कब से तू इतना ये सब प्रिकॉशंस करने लग गया, क्योंकि पहले मैं बिल्कुल नहीं करता था लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर दिया बिकॉज नाउ आई हैव टू मीट लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, तो यार वो इतने अच्छे लगते हैं ना देखने में, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई तुम्हें भी अच्छा दिखना चाहिए। तो आई हैव टेकन दिस स्कूप एंड आई विल जस्ट अप्लाई इट ऑन माय फेस, ऑन माय हैंड, दिस इज माय हैंड ऑन माय फेस। इट स्मेल्स रियली नाइस मैन, इट स्मेल्स रियली नाइस। अब जैसा मैं लगा रहा हूँ ऐसा आई डोंट नो कि ये सही तरीका है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई इंटेलिजेंट इंसान होता तो वो क्या करता, एक उंगली पे लेता और धीरे धीरे पूरे चेहरे पे ऐसे लगाता, ना कि पूरे हाथ पे ऐसे मल के और फिर ऐसे ऐसे लगाता। ठीक है ना यार, सीख रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसे सीखेंगे ना, और मैं ये इसलिए डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कभी प्रॉब्लम ना आए, आप लोग मेरी गलतियों से सीख सको। यार ये वाला फेस मास्क ना अच्छा है, जो पहले वाला था ना जो आजकल इतना टीवी पे भी आता है, उसमें क्या है कि जब आप एक बार हो जाता है ना फिर वो सूखने लगता है, तब आप स्ट्रेच करते हो तो कहीं ना कहीं दर्द होता है क्योंकि बाल बाल खिंच जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा, सीन ऐसा होगा लग तो रहा है, मतलब कुछ ना, मतलब ये कुछ आज जादू तो दिखाएगा आज, मतलब पार्टी में सबसे ज्यादा मैं ही चमकने वाला हूँ। ऑल्दो नैना का दिन है बट हु केयर्स, नैना से अच्छा दिखना चाहिए ना बॉस। तो परफेक्टली मैंने अप्लाई कर लिया है एंड बाय द वे अगर आपको भी यूज करना है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के ही यूज कर सकते हैं, ये लड़कियां भी यूज कर सकती हैं। अगर आपको यूज करना है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और दिस इज फ्रॉम गुड वाइब्स, आप यूज कर सकते हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ना है क्योंकि अपना इफेक्ट दिखाएगा 10 मिनट में, तो लेट्स वेट फॉर 10 मिनट्स। अब उस 10 मिनट्स में हम क्या कर सकते हैं, देखिए या तो हम ऐसी बातें कर सकते हैं बट बातें करते करते बोर हो जाएंगे क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ, आप तो कुछ बोल नहीं रहे, आप कभी कुछ बोलते क्यों नहीं है, आप बोलिए कॉमेंट सेक्शन में, लेकिन अच्छा अच्छा बोलिए प्लीज यार, बड़ी मेहनत करता हूँ, आप गंदा गंदा बोलते ना बुरा लग जाता है। तो इतना 10 मिनट हम रुकेंगे, तो 10 मिनट के लिए हम करते हैं क्या, हम प्ले करते हैं यूकेलेली एंड मैं आपको थोड़ा गाना सुनाता हूँ जो मैंने आजकल सीख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मतलब ग्लिम्स देता हूँ कैसा लगता है आपको। ओके, सो होपफुली मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया है कि मैं यूकेलेली सीख रहा हूँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं आजकल यूकेलेली सीख रहा हूँ, और मैंने अपने चाइना व्लॉग में बोला था कि जब इंडिया जाऊंगा तो मैं यूकेलेली पक्का सीखूंगा। वैसे तो मैंने भी इतना कुछ सीखा नहीं है, स्टिल आई एम वर्किंग ऑन वन सॉन्ग जिसका मुझे कवर करना है बहुत जल्दी, मे बी ऑन माय मेन चैनल नॉट ऑन दिस चैनल। और ऐसे जो गाना आजकल मैं सीख रहा हूँ वो है टॉक्सिक, वैसे तो अब ये फेस मास्क जो है थोड़ा स्ट्रेच होने लग गया, स्टिल आई विल सिंग फ्यू लाइंस फॉर यू। बेबी कैन्ट यू सी आई एम कॉलिंग, अ गर्ल लाइक यू शुड वेयर अ वार्निंग, इट्स डेंजरस आई एम फॉलिंग। Okay,
तो अभी मैं आपको पूरा कारण नहीं सुनाऊंगा क्योंकि पूरा प्रिपेयर भी नहीं हुआ है। वैसे तो हल्का फुल्का कर लिया है प्रिपेयर, लेकिन पूरा नहीं किया है। पूरा मैं आपको मेन चैनल पे सिखाऊंगा नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं सिखा नहीं सकता क्योंकि मैं खुद तो सीख रहा हूँ, मैं आपको क्या सिखाऊंगा। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड हम लोग कुछ और भी चीजें ट्राई कर सकते हैं, लाइक दिस। तो हमें 10 मिनट के लिए मास्क रखना था, अभी हुए 6 मिनट, तो हम 4 मिनट थोड़ा और वेट करेंगे। इसके बाद हम इसको धोएंगे और धोने के बाद आई टेक अ बाथ, क्योंकि जाना है पार्टी में। एंड होपफुली दिस टाइम आई विल नॉट गेट लेट, क्योंकि मैं हमेशा लेट होता हूँ, लेकिन मैं शायद लेट हो सकता हूँ क्योंकि परम कह रहा है हम थोड़ा लेट चलेंगे। मेरे को जब भी जाना होता है ना अकेले, मैं हमेशा टाइम से पहुंच जाता हूँ, हमेशा टाइम से पहले पहुंचता हूँ, लेकिन जब भी जाना हो परम के साथ कभी टाइम पे नहीं पहुंच सकता बॉस। ऑलराइट, तो मैंने धो लिया अपना फेस एंड इट फील्स रियली गुड, काफी अच्छा लग रहा है, काफी रिफ्रेशिंग सा लग रहा है, एंड पोर्स भी हट चुके हैं, तो इट इज वेरी अट्रैक्टिव। I would suggest you, I would recommend you, जाओ use करो, and description box में इसके link है, जल्दी जाओ। A few moments later, इधर हो गया था वाला vlog। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब जब दोस्त, मतलब दोस्ती गहरी होती आती है ना, तो जो दोस्त होता है ना एक इस जैसा, Hello friends, इतने हरामी हो जाते हैं ना, मतलब अभी, मतलब घर वालों के सामने तो ऐसे बनेंगे जैसे कति ये वो है श्रवण कुमार। अभी क्या, अभी हम लोग निकल रहे थे तो मम्मी आई, मम्मी हाय हेलो बोलने आई, तो बोलता आंटी से बोल लो ब्लॉक के चक्कर में लेट ना करें, मुझे घर आना चाहते 10 बजे तक। आंटी भी कह रही होगी क्या हो गया। मैं मस्त बोल के आया हूँ, मैं घर पे आऊंगा 1 बजे तक, और ये कह रहे हैं आंटी तक 1 बजे तक, भागल बहुत लेट हो जाएगा यार, सुबह लेट तक भी सोना होता है। और जब हम फोन में बात कर रहे थे तो मैंने बोला, ये कहते हैं कि यार रात को ना, इसने पूछा कितने बजे तक चलेंगे, मैंने कहा चलते हैं 6 बजे तक, क्योंकि 7 बजे हमें पहुंचना है और हम लोग निकल रहे हैं 7:30 बजे, क्योंकि दिस इज परम। ओ हेलो हेलो, मैंने इसको 3 कॉल किए, मैं भी दिखाऊंगा, और ये नहा रहा था अभी बैठ के, मुझे बकवास कर रहा हूं, जबकि मैं उससे पहले तैयार होकर बैठा हूं। तो तू आया तो नहीं ना मेरे घर पे, आया क्या, मैं तो पहले आया हुआ, तूने बोला मैं, तू फोन नहीं उठा, मेरी गलती है यार, कितने गंदा है यार तू। इसने मुझे बोला कि भाई मैं 7:30 से पहले नहीं आऊंगा, मैंने कहा ठीक है, तो मैं आराम से मतलब 6:30 बजे नहाने गया, 7 बजे आ गया, और 5 मिनट तैयार, आधा घंटा कौन नहाता है, मैं नहाता हूँ, मेरी खूबसूरती के रात आधा घंटा नहाना है। खूबसूरती का नहीं, बोलते हैं चाइना जाके नहाया तो था नहीं वहाँ पे, वहाँ जैसा हो गया था, नहाया था नहीं, मैल जम रही थी इतनी। आज ही मैंने वो किया है, क्या ब्लैक फेस मास्क, वो जैसे करके निकाल देते हैं, नहीं मेरा अच्छे वाला है वो, निकालते नहीं है, निकालते हैं लेकिन वो धोके निकालना पड़ता है। गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, चेक कर लेना। वो तो सारे लिंक ऐसे क्यों बताते हैं, जैसे कि सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे ही डलता है, ठीक है ना, तेरा गंदा दिमाग है, लिंक डलता है। अच्छा मैं तुम्हें बात करता हूं, ए नहीं होता, वो जी होता है यार, चुपला स्पेलिंग मिस्टेक है भाई। अगर तुम्हें जोक समझ आ गया तो तुम्हारा भी घटिया दिमाग है। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि हम फोन में बात कर रहे हैं, तो इसने बोला कि भाई कितने बजे तक, मैंने कहा यार चलते हैं 6 बजे चलते हैं, 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, अपना पार्टी वार्टी एंजॉय करके आ जाएंगे रात के 11 बजे तक। झूठा कह रहा था 1 बजे तक आएंगे, मैंने कहा जल्दी आएंगे। तो महाशय क्या कह रहे हैं, सामने बैठी होगी मम्मी, तो बोलता कि यार ऐसे नहीं करेंगे, एक काम करेंगे हम जाएंगे 7:30 बजे, 8:30 बजे वहाँ पहुंचेंगे, और वहां से निकल लेंगे हम लोग 9:30 बजे, और 10 बजे तक घर आ जाएंगे। फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, बिल्कुल भाई, उनको भी टाइम देना होता है फैमिली के लिए, यार बेचारे सारा दिन हमारा इंतजार करते हैं कि बच्चे आएंगे, थोड़ी बातें करेंगे उनके साथ, थोड़े सोच विमर्श विचार विमर्श होगा, फिर हम लड़ पड़ेंगे। यही मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारे भी ऐसे हरामी दोस्त है ना, तुम्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं है भाई। हाँ अच्छे है बेटे, मेरे जैसे दोस्त अगर दुनिया को मिल जाए ना, हाँ, तो हाँ बहुत तो फायदा होता है। हाँ, तुझे क्या मालूम बात कर रहा है। हाँ, किस्मत वाले हो तुम, जिसे हम इतनी शिद्दत से चाहते हैं टट्टी, वरना तो वो इंसान है जो सपने में भी अपॉइंटमेंट से आते हैं। बॉके में चौका मार दिया, मेरा खुद का है ये, चल ठीक है मैं किसी वीडियो में यूज कर लूंगा। और तू इसमें भले कमेंट्स में पूछ लो, किसी को नहीं भी आते सुना होते, ठीक है चलो आज से ये मेरा हो गया। कैसे एक ही बात है ना, तीन दिया मैंने दिया की बात है, तो अभी तो दोस्ती बोल रहे थे, बहुत अच्छी दोस्ती है ये, देख लो पैसे लगेंगे इसके, खरीद ले मुझसे। अच्छा कितने, अभी तो अमीर हो जा फिर अफोर्ड नहीं। तुम्हारा हम कहाँ जा रहे हैं बता, हम जा रहे हैं वहाँ पे सीपी। अबे कुत्ते हम किसले जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा आज हम जा रहे हैं, हमारी वो नेजना चुत्तड़ है उसके बैचलरेट है। yes. और आज मैं रॉको और ये हंटर। वैसे ना एक बार देखो, मतलब दुनिया के जितने भी फ्रेंड्स होंगे ना, अगर एक लड़की की बैचलरेट होगी तो उसमें लड़कियां जाती है। और हमारे यहाँ तो भाई कोई जेंडर का मतलब ही नहीं है। हम तो रॉको हंटर है ना भाई, लड़कियों के लिए रॉको हंटर भी तो चाहिए। तो साले और भी तो लड़के आ रहे हैं। मैं यार चेन वेन लाना भूल गया घर से, और मैं हैंडकफ्स, ओ माय गॉड। जब मेरे घर वाले देखेंगे ना ये व्लॉग, कहेंगे साले तुम ही किंकी हो रहे हो कतई। उन्हें ये नहीं पता होगा किंकी क्या होता है। तुम्हें मेरे पापा का डायलॉग याद है, इधर करिए से लिंक नीचे।
भैया तुझे मेरे पापा का डायलॉग याद है? जिसे अच्छे तुम गुजर रहे हो ना वो हम करके छोड़ चुके हैं। जब कोई ये डायलॉग मारते हैं ना माँ बाप, भाई साहब तुम सबके लिए कह रहा हूँ, जब तुम्हारे माँ बाप ये बोलते हैं ना कि जो तुम्हें काम कर रहे हो ना हम करके छोड़ चुके हैं, तो सीधा ही बोलो यार तुमने जब कर लिया तो हमें भी तो करने दो ना, तुमने तो कर लिया। पॉइंट पॉइंट, हमें क्यों नहीं करने देते? बोल के देखिए एक बार पापा को अपने। यार अभी थोड़ा सा ये दूसरा को सलाह देने से पहले खुद भी अमल करो। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, मेरे में तो चलो जिगरा नहीं है, जिनके है वो तो बोल लो भैया, इसके लिए दम चाहिए। ये मेरे को लगता था ऐसा, पर अब तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि हम जब ना अपने स्कूल में भी थे तो हम सोचते थे यार उस स्कूल की लड़कियां इतनी अच्छी हैं, उस स्कूल की लड़कियां इतनी अच्छी हैं, सारे स्कूल की लड़कियां अच्छी हैं, और अपने स्कूल की लड़कियां टट्टी लगा करती थी हमें कि सब टट्टी जैसी हैं, बेकार हैं, ये है, और दूसरे स्कूल के लड़के आके हमारे स्कूल के बाहर चक्कर काटते रहते थे। मैं सोचता था साले क्या ड्रामा है ये, अब पता लग रहा है कि अपना माल हमेशा बुरा ही लगता है। दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा अच्छा, दूसरे की बीवी सबसे बेस्ट। लड़कियां जो पसंद आती है टॉम बॉय टाइप की ना, जो मस्त रहती हैं, फन करती हैं, ये नहीं हमेशा वो उतने मुझे ऐसे बोल दिया, उतने मुझे ये बोल दिया, वो ना बढ़िया चिक चिक वाली बात काम, और स्पेशली किसी पे डिपेंडेंट रहती है वो लड़कियां तो बड़ी मस्त लगती है, जिनके कोई बतर नहीं आधी रात को भी छोड़ के भाग जाओ, लेने जाओ छोड़ने जाओ, ड्राइवर तो हम ही है यहाँ पे, तो साले फ्रेंड्स को भी लेने जाओ छोड़ने जाओ। इस बार मैंने बोल दिया सबको साला जो मेन रोड पे आ जाएगा ले जाऊंगा, वरना किसको नहीं लेके जाने वाला मैं। आर यू टॉकिंग अबाउट जपिता? नाम ले लिखो तुमने, बोला था क्योंकि मैंने उसे बोला हम मेट्रो से आ रहे और मैंने बोला हम लेट हो जाएंगे तो निकल ले। जपिता भाई तो चुतर तोड़ा, कॉलर के बोलो अभी नहीं यार, वो बहुत रोती है कि अंदर आ जाओ लेने, अंदर नहीं जाएंगे ना वो निकल चुकी होगी वैसे, तू ही बात में बोल दे चल ले यार, यू तो यार वो तो रो पड़ते, मैं क्या करूं, तो रोती रहने दे, ये मत डालियो मत यार, ये मत डालियो यार, वो फिर ना लड़ने लग जाती बहुत गंदे वाले। चलो यार अभी चलते हैं, वैसे पर हम देख दिखा देख लो देखेगी आई एम फकिंग फेमस साले, तू मेरे साथ घूम रहा है इसमें से देख रही है तेरे को। ओ, अच्छा अच्छा, हुस्न का राजा तेरे साथ घूम रहा है। अपोलॉजीज माय अपोलॉजीज, मैं देख ये बोल रहा हूँ, देख भाई हो रही है सबकी शादियाँ ठीक है, जिसकी हो रही है होंड दो होंड दो, लेकिन लेकिन अगर तूने इस साले नेक्स्ट ईयर शादी कर ली, नहीं करने वाला मैं, तो तेरे इतने लठ बजेंगे, करने ही नहीं वाला, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई दुनिया में किसी की भी शादी है, तुम्हारे भाई की, तुम्हारी बहन की, लेकिन जिस दिन तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी हो गई उस दिन घर वाले डंडा दे देंगे घर वाले। तो यार दक्ष देख, ये तो मेरा ही मानना है कि तेरी वो उम्र हो चली है, तेरे को शादी के तो ध्यान देना चाहिए, स्टे हेल्दी स्टे फिट, मेरे साथ रहो। ये साला पियक्कड़ है, बेवड़ा कॉकरोच चींटियां पता नहीं क्या खाता है, चींटियां खाता है भाई ये तो, मतलब ना आज पता नहीं कैसे मोड में, आंटी मोड में आएगा तू, कुत्ते चुगली खोर आंटी बन के आया क्या मोहल्ले वाली। हाँ तो बस मैं यही बताना चाह रहा था, देखिए आप एक्सपेक्ट ना करिएगा परम की शादी जल्दी, क्योंकि देखिए हम भी हमें भी अभी मतलब 3-4 साल है, करियर बनाएंगे उसके बाद करेंगे। बिल्कुल करियर बनाते बनाते बाद में कुछ बनाने लायक नहीं रह जाएंगे। जप्पू का फोन आ रहा है, का फोन आ गया। मैं क्या अभी तक उसे यार लाइव चल रहा है क्या ये व्लॉग? हेलो आज की डेट में जा रही हूं। हाँ हाँ तू कहाँ पे है? तू कहाँ है? मैं तो निकल गया घर से। वेरी गुड, फोन कौन करेगा? अरे यार मैं भूल गया, तू कहाँ पे है? सरिता विहार और कहूंगी। अच्छा तू सरिता विहार से आएगी, तू साथ जाएगी क्या हमारे? अच्छा अच्छा चल ठीक है, चल तुझे भाई सरिता विहार के मेट्रो स्टेशन में मिलेंगे। तुम मेट्रो से आ रहे हो? हाँ। तो भाई मेट्रो पे चढ़ तो जाए हम लोग। अभी तो मेट्रो में नहीं जा रहे हो? नहीं मुझे नहीं ठंड नहीं हो रही यार। हाँ नहीं हो रही यार, मैंने पहले हुडी पहनी थी फिर मैंने उतार दी। मत पहन क्या हाँ क्या? अरे बैचलरेट है यार, कुछ तो ग्लैमर होना चाहिए। देखा हम ऐसी लड़कियों की बात कर रहे थे, ऐसी लड़कियां हमें पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद। और तो जब दोस्त है इसलिए पसंद है, लेकिन हमें टॉम बॉय लड़के पसंद है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती। अब ये देखिए अगर बोल देते ना भाई चंद की हम गाड़ी जा रही है कि अंदर लेने आओ, लिखवा लो मुझसे। एग्जैक्टली, और मैंने फिर बोला कि भाई मेट्रो स्टेशन से ले लेंगे देखो, लेकिन वो मेट्रो स्टेशन भी नहीं आ सकती, क्यों ड्रेस पहनी हुई है? तो ड्रेस पहन के सीपी में घूम सकती है, मेट्रो में क्यों नहीं आती? वही लोग तो जाते हैं वहाँ पे भी। एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लड़कों की जीत हुई है और इस लड़की की हार। जपो हाय बोलो। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। जपो ग्लैमर है। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। भाई लेकिन ना मैं आपको बता रहा हूँ, ये लड़की ना इतनी मतलब चालू चंट चला के, मैंने सोचा कि भाई इसको आउटशाइन करेंगे, हमने बोला मेट्रो से आ रहे हैं, इसने बोला मुझे डाउट है, मैंने कहा अरे सच्ची में आ रहे हैं, मैंने खिड़की खोल खोल के मुंडी बाहर निकाल निकाल के बात करी है कि इसे शक ना हो। जब हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंच गए मैंने कहा आ जा, तो इसने क्या बोला कि यार मैं तो स्टेयर्स चढ़ रही हूँ और मैं बस आ रही हूँ ऊपर। मुझे लगा बेचारी की मेहनत हो जाएगी,
मैंने कहा यार हम लोग ना मेट्रो से नहीं कार से आए, तो कह रही ठीक है मेरे खड़ा दो लेने कमीनी इतनी हरामी है ना ये, बता रहा हूँ आपको गल दे रहा है, हरामी गाली नहीं होती है तो क्या होती है, घर में बात क्या कर रहा है, बात कर रहा है देन टट्टी, इतनी टट्टी लड़की है ना ये, इतनी खूबसूरत लड़की है जो तड़ वो बकवास नहीं करनी सॉरी, इतनी घटिया लड़की है जब नैना की शादी हो रही है, तेरी शादी कब हो रही है नैना की भी, इसकी भी आ गई बस, अरे सर्जरी तो आंखों की तूने ऐसे कराई है, थोड़ी करा ली तुम मर्जी भाई, सर्जरी तो कराई सकते हैं, वो स्ट्रांग इन दैट, तू इतनी ग्लैमरस लग रही थी, डर रही थी आने में, मुझे लगा कुछ टू पीस थ्री पीस पहन के आई होगी, मुझे लगा कुछ नहीं पहन रही होगी शादी से, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ पहन ही नहीं रही होगी, बस इसे छूने के बहाने चाहिए जब आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं व्लॉग्स में, कहते हैं चुतड़ गए चुतड़ गए हमने कहा चीचे में खड़े होकर पीछे देख लो A few moments later. तो आप देख रहे हैं अनुज को शादी के बाद, अनुज कैसा लग रहा है शादी के बाद, दो दिन की थी कि यहाँ शादी हुई है, अच्छा, और अब सिचुएशन वही है जैसे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, अच्छा सेम वही कंडीशन है, सब बढ़िया चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, क्या मेरा तो शादी करने कोई फायदा नहीं, बट साले तो चुप हो जाए अभी भी, अरे ये मैं बता रहा हूँ कुकी रोटी खा रहा हूँ, पहले भी कुकी रोटी खा रहा था, मैं बोल रहा हूँ एक नंबर है फर्जी लड़का है ये, अब इसको हम जब भी बोलते हैं ना वीकेंड पे यार प्लान करते हैं करते, तो कभी इसका भैया दूज है, कभी इसका ये है, फिर बोलते हैं बहाना मारता है, मेरा नहीं है बीवी रखी है भाई, मतलब बीवी आई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, बहाना पता क्या मारता है कि यार अब मैं शादी वाला हो गया हूँ, अब मैं शादीशुदा इंसान हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे, हम तो भाई पैसे खर्च करवाते हैं, अच्छा भाई तो कांग्रेचुलेशन अनुज, अनुज ने लिया है नया फ्लैट, इसका मतलब होगी एक हाउस वार्मिंग पार्टी, बिल्कुल बहुत ही तगड़ी, होपफुली तेरी हाउस वार्मिंग पार्टी में तेरा घर ना तोड़ दे, नो नो शीट अलाउड, तो तू कैसे रह रहा है, अरे वो मरी नहीं है उसकी शादी है, तंदूरी नेट नैना 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 आ रही है पार्टी किसकी है पार्टी नैना की, और वो सबसे ज्यादा लेट है, हैप्पी बर्थडे, ठीक है हैप्पी बर्थडे मिशा की बर्थडे पार्टी, मिशा की बर्थडे पार्टी, हैप्पी बर्थडे ले सात दिनों से मेरे घोड़ा तो गाइस जैसे तुम्हें पता है कि आज है नैना की बैचलरेट, मतलब नहीं होगी उसकी, नहीं होगी वैसे तो नेहा की शादी, नेहा नेहा की भी शादी हो रही है जनवरी में, ये लड़की बता नहीं रही थी किसी को कि इसकी शादी हो रही है, बट अब यार कंफर्म नहीं था इसलिए 15 जनवरी मित्तल हमेशा किसी को कंफर्म करा, ये नहीं लड़के को मिल सकता भाग जाएगा, सही में 23 जनवरी नेहा की शादी है, यू ऑल आर 26 जनवरी वंदे मातरम, ग्लैमर ग्लैमर पे बिल्कुल मत जाइए, 26 जनवरी की है, और यही लड़के जो बोल रही थी कि 29 जनवरी की, कितनी ठरक भरी हुई लड़की, कह रही लेट क्यों करा रहे जल्दी करने में, 15 की करवा रहा तब तेरे को दिक्कत है, 26 की करवा रहा तब तेरे को दिक्कत, नेहा की शादी 23 जनवरी को है, जिसमें हम नहीं जा रहे क्योंकि हम पंकज की भाई की शादी में जाएंगे क्योंकि इसने हमें एक साल पहले बता दिया था कि इसके भाई की शादी है, नहीं नहीं आएंगे यार आएंगे, और नया नया भी भले हम एक दिन के लिए जाए लेकिन क्लोज होके मत बोल कहीं रिश्ता टूट जाए थोड़ा दूर होके बोल भाई रिश्ता पक्का हो गया, नेहा की शादी है 23 की, हम 23 को जरूर जाएंगे और ऐसे ही एपिक व्लॉग बनाएंगे मजे करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें बैचलेट भी तो करनी पड़ेगी तेरी, हां बिल्कुल होगी, बीच बीच में वीडियो में ग्लैमर जरूर आएगा, आप इंजॉय करते रहे, अभी हम नैना का वेट कर रहे हैं और उसके बाद आपको अपडेट करते रहेंगे, अभी चल के हम लोग थोड़ा डांस वांस कर लेते हैं, वैसे तो वो गाना इतने रोने वाले गा रहा है ना वो बंदा, क्या गा रहा है यार, डीजे कब चलेगा, हमने नेहा को कर रहे हैं, मैं तो हमने नाचने के लिए पता नहीं फिर कब नाचने का end up horizontal. They know they want something more. They know they want something more.
चार घंटे के बाद मैं आ चुकी है, ये रही मैं। तू चार घंटे क्या कर रही थी? मेकअप कर रही थी, फिर भी लग रही है तो देखिए नैना हो चुकी है ब्राइड टू बी, बहुत जल्दी इनकी शादी है जो कि है दिसंबर में, 11 दिसंबर को। उससे पहले तलाक होना है उससे पहले तलाक होना है क्योंकि नैना और डीएम ने डिसाइड किया था अगर इनको कोई नहीं मिला तो ये दोनों शादी कर लेंगे। आपको कैसा लग रहा है? कैसा, किस चीज? बैचलरेट में आके बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग आ रही है। वैसे इतनी लेट आई है ना, मन कर रहा है घुसंडी दे के मारूं तेरी बैचलरेट में। थोड़ी स्पेशल हूं, थोड़ा लाइट आ गई मुंह पे। अब डिवोर्स हो गया ना, तेरी पे हिम्मत नहीं है। टॉर्च मार देते हैं मुंह पे। हां कुछ बोलेगी तू? इतने सारे लोगों के दिल तोड़ रही है, तू बोलेगी कुछ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी का दिल भी नहीं तोड़ रही हूं। आते रहना बीच बीच में, मैं व्लॉग में आती रहूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइस अब आपको हम दिखाएंगे। नैना आप शादी कर रही हैं और अभी नैना उसकी स्पीच शुरू होने वाली है अगले 20 सेकंड के लिए, आप बोर होंगे उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट प्लीज डू लाइक। हाँ जी बोलिए नैना। तूने फिर से बोला दिन तो नैना शादी कर रही, सॉरी लाइट कर रही थी लाइट। तो नैना आप इतने सारी क्या बोल रहे हो? शादी तो नहीं ना, आप शादी कर रहे हो और इतने लोगों का दिल तोड़ रहे हैं, आपको कुछ मैसेज देना सब? चौथी बारी हो रही है इसकी शादी। अरे तू बोलने देगा उसको मैसेज नहीं? तो नहीं ना, तू शादी कर रही है, लोगों का दिल तोड़ रहे हैं, ब्लॉग देखने वाले तेरे को बड़ा पसंद करते हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगी? मैसेज? थैंक यू, आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, शादी तो यार मेरे को बहुत अच्छा बंदा मिल गया, तो मुझे शादी तो करनी ही है। आप लोग भी कर लो अगर आपको कोई समवन स्पेशल मिल जाए, बाकी व्लॉग्स में मैं आती रहूंगी यार, ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, बट आप लोग सब शादी में आना 11th ऑफ दिसंबर, ठीक है? दक्ष आपको वेन्यू बता दे, जो पिंपल है इसका क्या है? शादी में आ पाओ ना आ पाओ, स्वागत पे जरूर आना। अरे बैंड से जाने के लिए यार, बैंड से जाना है। Keep it on the low now, we about to pop off like a bottle. Everybody knows that we're going full throttle. Drinking alcohol, yeah, straight from the nozzle. End of the night, end up horizontal. They know they want something more. They know they want something more. तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, मेरे दिल तुम्हारे प्यार का सहारा है।
फाइनली वी आर डन विद द पार्टी और नैना का सर का जो फोड़ा है वो बड़ा मजा आया। एवरीवन इट वाज एन ऑसम पार्टी, बहुत मजा आया। थैंक यू। इतनी लेट आई है कमीनी तू। इसलिए माफ कर देना, तो घुसने घुसने पेलते है ना। आपका तो पिंपल आ रहा है क्या, इसको कुछ नाम रखा है आपने? एडिटिंग में पिंपल छुपा दिया यार। चलो बाय बोल दो सबको।